मैंने आपको बहुत बार कहते हुए सुना है कि आपका सिर दर्द हो रहा है, मुझे लगता है आपको ना माइग्रेन का चेकअप कराना चाहिए। तो मेडिकल के फर्स्ट ईयर में ना, सलाह तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी हो। बाकी दीदी ऐसी बात नहीं है, माइग्रेन के सिम्टम्स पढ़ना बहुत कॉमन सेंस है। तुम ना अपना ये कॉमन सेंस प्लीज अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी कंसल्टेशन नहीं चाहिए। और अच्छा होगा कि तुम ये अपना जबरदस्ती का मुफ्त का ज्ञान ना मुझे मत दो। ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, आपका सिर दर्द और बढ़ जाएगा। बढ़ गया है, और मेरा सर दर्द मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों? अच्छा ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप प्लीज केक कटिंग तक के लिए तो नीचे चल लीजिए, फिर वापस आके आराम कर लीजिएगा रूम में। आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक बार फिर से सबके सामने ये साबित करना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो, ताकि सब लोग सोचे कि ओ सही कितनी कैरिंग है। पत्र लेखा से इतना झगड़ा करने के बाद भी उसे तो केक कटिंग के लिए बुलाने गई, यही चाहती हो ना तुम? इसीलिए सब नाटक कर रही हो ना? कमाल का दिमाग चलता है तुम्हारा सही। बाकी दीदी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, आप क्या कह रही हैं? मैं इस इरादे से यहाँ नहीं आई थी। ठीक है, नहीं होगा तुम्हारा ऐसा कोई इरादा, लेकिन तुम प्लीज अब जाओ यहाँ से। अभी तक यहां क्यों खड़ी हो? वहां विराट तुम्हारे लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, घर के सारे लोग सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तुम्हें नीचे जाकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, यहां रुककर तुम अपना और मेरा हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। मुझे तो इस सेलिब्रेशन के बारे में पता ही नहीं था, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे तो लगा था कि सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा ही हुआ, सब मेरे बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और विराट सर ने मेरे जन्मदिन के लिए कितना कुछ किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन क्यों नहीं हो रहा तुम्हें? ये तो ऑब्वियस ही था, विराट तो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा ही, क्योंकि अब वो तुमसे प्यार जो करने लगा है। ये आप क्या कह रही हैं पाखी दीदी? विराट सर क्या आप? बस अब तुम ऐसे हैरान होने की एक्टिंग मत करोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। और विराट तुमसे प्यार करे भी क्यों ना, तुम इतनी सुंदर जो हो, दुनिया भर की सारी अच्छाइयां हैं तुम्हें, और अब बहुत जल्दी तुम डॉक्टर भी बनने वाली हो, विराट का तो फायदा ही फायदा है। विराट सर जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो अपना फायदा नुकसान कुछ नहीं सोचते। और हाँ मैं मानती हूँ कि विराट सर मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने देवी ताई के लिए और घर के बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये लो, एक और क्वालिटी पता चल गई मुझे, तुम शब्दों से भी खेलना जानती हो, किस बात को कैसे कहना है बखूबी आता है तुम्हें। बाकी दीदी छोटी सी उम्र में जब बुरे हालात और बुरे लोग उनसे सामना करना पड़ता है ना, तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। और मैंने लोगों को देखकर ये नहीं सीखा कि कैसे बात करते हैं, बल्कि हाँ कुछ लोगों को देखकर ये जरूर सीखा है कि कैसे बात नहीं करते हैं, वो सीखा है। खैर बाकी दीदी नीचे सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं सर, आपका भी इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग के लिए, प्लीज चलिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना तुम्हारी स्टूपिड केक कटिंग में। आप चाहे जो बोलिए, चलना तो आपको पड़ेगा। और पाखी दीदी आप मुझे जिद्दी बोलती हैं, लेकिन आप भी खुद कम जिद्दी नहीं है, आज आपको बर्थडे गर्ल की बात सुननी पड़ेगी। चलिए चलिए पाखी दीदी। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। सही सही इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ सही? ओ गॉड, अब पता नहीं विराट क्या सोचेगा। और तुम गिरी कैसे? सही अपना हाथ उठाओ,
अच्छा ठीक है, मत हटाओ। ये तो बता सकती हो ना कि हुआ क्या है? पैर फिसल गया, बैलेंस बिगड़ गया, कुछ तो बोलो सही। तुम्हारी बीवी को लगता है कि सिर्फ वो ही जिद्दी है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। तुम पहले ये बताओगी कि हुआ क्या है? बस अकलमंद बनने के चक्कर में मेरे मना करने के बावजूद भी ये मुझसे जिद कर रही थी। जिद? किस बात की जिद? अपने जन्मदिन में शामिल होने के लिए। प्लीज साफ साफ बताओ हुआ क्या है। नहीं एक्चुअली रहने दो, तुम रहने दो, सही प्लीज बताओ हुआ क्या है। सही सही हाथ हटाओ। सही है, तुम्हें तो चोट लग गई है, खून निकल रहा है। सही ये खून, ये चोट मेरे जन्मदिन पे तोहफा है पाखी दीदी की तरफ से। क्या तुम और मिर्च मसाला क्यों नहीं लगा देती? सही पाखी, अभी बहस करने का वक्त नहीं है, जाओ जाकर फर्स्ट एड लाओ। तुम हर बात को इतना फिल्मी तरीके से कैसे बोल सकती हो? एक मिनट, थोड़ा दुखेगा। तुम्हारी बीवी एक बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है विराट। मैंने इसे मना किया था कि मुझे परेशान ना करे, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे इसके केक कटिंग के लिए ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बस इससे अपना हाथ छुड़ाने के लिए खुद को खींचा और ये। इसका मतलब तुम्हारी वजह से सही को चोट पहुंची है? विराट तुमने सुना नहीं अभी अभी मैंने क्या कहा? मैं बस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती तो तुम अपने आप को खींचती। सही को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुमने अपने आप को खींचा है, बल्कि इसे धक्का दिया है। विराट, हम टहलू बाकी। तुम्हें सही को धक्का देने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सही को धक्का नहीं दिया है विराट, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सही के दर्द के आगे तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने सब जानबूझ के किया? पूछो इससे, मैंने इसे कितनी बार कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं बस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और मुझे क्या पता था कि ये इसे खुद को चोट पहुंचा लेगी। सही तुम्हें बुलाना चाहती थी क्योंकि उसका दिल साफ है, ताकि तुम्हें वो शामिल कर सके अपनी पार्टी में, लेकिन तुमने उसे क्या दिया? उसी के बर्थडे पर उसे चोट पहुंचाई है तुमने। तुम्हें नहीं लगता इस बार तुमने हद पार कर दी है? तुम कह रही हो कि मैंने उसे जान? अरे वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि सही को चोट पहुंची है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात इस घर में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। I'm sorry, पाखी दीदी, मैंने आपको अपने बर्थडे पार्टी में शामिल करने की जिद की। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी बर्थडे पार्टी से इतनी प्रॉब्लम है। जाने अनजाने ही सही आपको वो मिल गया ना जो आपको चाहिए था। शट अप, जस्ट शट अप। विराट के दिल में आग लगाने की जगह तुम नीचे जाकर अपने बर्थडे की मोमबत्ती बुझाओ। बस पाखी बस, इसके बर्थडे पर जितने मीठे बोल तुमने बोलने थे इसे बोल लिए, इसके आगे एक लफ्ज नहीं। बस सही, तुम्हारा ये जख्म साफ करके बैंडेज लगा देता हूँ। चलो आओ।
बैठो। एक मिनट। मैं कर लूंगी। बिल्कुल चुप। हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, खून निकल रहा है पता भी है, चुपचाप बैठो। और हाँ, हिलना तो बिल्कुल भी मत। गुड गर्ल। आई नो, थोड़ा जलेगा। गुड। अब घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं बाबा, कहाँ ना नहीं आ रहे। गुड। आप ना नीचे सबको बोल दीजिए कि सही पढ़ाई करने लग गई इसलिए केक काटने नहीं आ रहे, या कह दीजिए कि उसे नींद आ गई वो सो गई। मैं नहीं चाहती कि तमाशा हो नीचे, सब चोट देखेंगे फिर पूछेंगे कैसे लगी। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। तुम्हारा मतलब तुम अपना ही केक नहीं काटोगी?